राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। पर्यटक स्थलों पर भीड़ भी देखने को मिलेगी। आज महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते भीड़ होगी। राजस्थान के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना है। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। 12 बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, साथ ही चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना है। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। बारां, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और इसी के साथ अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और साथ ही धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट है। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आने वाले समय में और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 22 जिलों के लिए अलर्ट है, क्या अपडेट? जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 जिलों के अंदर मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट ऑरेंज जारी किया है। इसके अलावा 17 ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी थोड़ी कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आज से 13 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये ताजा तस्वीर है राजधानी की। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों की रफ्तार काफी धीरे किए हुए हैं और लाइट जलाकर यहाँ पर जो वाहन है वो चला रहे हैं। छतरिया और रेनकोट ओढ़कर यहाँ पर बरसात में निकल रहे हैं। अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो ज्यादातर क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई है। एक हफ्ते तक चलेगा यह बारिश का दौर। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक हरियाणा के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र पर अब उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर आ गया है, जिससे भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। 5 और 7 दिनों के अंदर बारिश की गतिविधियों में भी और ज्यादा आशंका देखने को मिलेगी। जी मनीषा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा